संतप्त मानस शांत हो, संतप्त मानस शांत हो, के गुणों के गान विवर्धमान महामाया विचरे हमारे ध्यान। अनंतनाथ भगवान की स्थिति चली है। अनंतनाथ स्थिति में अनंत अनंत शब्द का जो सौंदर्य है वो देखना। कई जगह अनंत अनंत शब्द आया है, लेकिन प्रत्येक संदर्भ में अलग अलग अर्थ है ना। देखो, तुम हो अनादि अनंत, एक तो होता अनादि अनंत और एक होता है संख्या की अपेक्षा एक और अनेक। अनेक का सबसे बड़ा है अनंत, है ना। तो अखंड माने एक, एक अखंड है और फिर अनंत भेद है, तो अखंड अनंत। इसके अलावा और कहाँ है ये आप बता सकते हो? कोई अनंत अनंत गुण है। समय साल की 73वीं गाथा की एक की जो व्याख्या है आचार्य अमरचंद ने की है, उसमें मैं यह प्रत्यक्ष अनादि अनंत अक्षुण अनंत, अनादि अनंत अक्षुण मैंने अखंड अनंत, ये शब्द का प्रयोग हुआ है। कहाँ समझ में आया? ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, ये जो वैसा है ना, तो एक हूँ का जो अर्थ किया है अमृतचंद आचार्य ने, उसमें इन शब्दों का प्रयोग है। अच्छा, अब ये चार पंक्तियां हैं ना, तो इन्हें दो पंक्ति बीच की छोड़ के पहली और अंतिम पंक्ति पढ़ो। अनंत जिन तुम ही अखंड अनंत हो, तुम में अनंत अनंत गुण, तुम ही अनंत अनंत हो। इसमें जो अनंत अनंत शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है, उनका एक अलग सौंदर्य है। अनादि के साथ अनंत है, वो अलग चीज को बताता है जिसका भविष्य में कभी अंत नहीं होगा और जिसकी भूतकाल में कभी आदि नहीं हुई, ये ऐसा अनंत है। और दूसरा अखंड के विरुद्ध अनंत है, है ना। और तीसरा फिर ये अनंत अनंत गुण, एक गुणों में आपने कहते कितने हैं, अनंत कई प्रकार का होता है, अनंत अनंतानंद अक्षय अनंत कई तरह का अनंत होता है। और तुम में अनंतानंद गुण, और इसलिए तुम ही अनंतानंद हो, तुम अनंतानंद स्वरूप ही हो, मान तुम स्वयं ही इसका कोई अंत नहीं है, ऐसे स्वभाव वाले भगवान आत्मा। तो अनंत शब्द नाम भगवान का नाम है, और अनंत शब्द के जो विभिन्न अर्थ शास्त्रों में आए हैं, और जो भगवान आत्मा के भगवान तीर्थंकरों के विशेषणों के संदर्भ में उनकी महिमा है, उसके संदर्भ में ये बात है। अभी और दूसरी बात जो आपको बताई थी कि तुम्हें वेद विरहित वेद विद, वो तीन जगह आएगी। एक जगह स्त्री वेद के अर्थ में, दूसरी जगह पुरुष वेद के अर्थ में, और तीसरी जगह नपुंसक वेद के अर्थ में। तो ये मेरे ख्याल से पहला ही चल रहा है ना, इसलिए तुम वेद विरहित माने स्त्री वेद से रहित हो। नपुंसक वेद तीसरा है, स्त्री वाला वासुपूज्य भगवान में। हाँ, तो ये नपुंसक वेद रहित और तुम सिर कामनी के कंत हो। अब जो वेद से रहित होगा वो किसी कामनी का कंत कैसे हो सकता है? ये अलंकार है,
बहुत कहा जाता है गोपी रूपी कन्या को आपने वर्ण किया है, आप गोपी रूपी रमा के पति हो आप, है ना। तो शिव कामनी के कंत हो, शिव कामनी के कंत पर जबलपुर में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था, आपको मालूम नहीं, शायद वो आपके जीवन में नहीं हुआ हो, उसके पहले हुआ होगा। लेकिन ऐसा हुआ था कि एक पंडित कैलाश पंडित प्रकाश चंद जी हितेशी थे, नाम सुना होगा आपने, एक सर्वत संदेश नामक अखबार निकालते थे, और वो सर्वत संदेश अखबार उन्होंने आरंभ किया ही था एक दो साल पहले ही जबलपुर से। तो उन्होंने एक विशेषांक निकाला है ना भगवान महावीर पर, महावीर जयंती के दिन, तो उस पर जो विभिन्न लेख आए उन लेख में भगवान महावीर को शिव कामनी का कंत लिखा था, आप समझ रहे हैं, मुक्ति रमा का पति लिखा था। तो इनके यहाँ अब रमा सीता को बोलते हैं, अरे राम रमा पति कर धन लेऊ कहत ताप मटत संदेहू, ये रामायण की चौपाई है, कौन सा प्रज्ञान है कि सीता जी का वो हो रहा है स्वयंवर, और वहां पर कोई भी उसको धनुष को धनुष चढ़ाने की शर्त थी ना, शिव जी के धनुष को चढ़ा देगा जो उसके साथ सीता शादी करेगी। तो वहां चौपाई लिखा हमने कि राम रमापति कर धन लेगू, कि राम कौन, राम रमा के पति, हम सीता के पति जो राम हैं, उन्हें अपने हाथ में धनुष लिया, कर धनु ले ही, और खेचत चाप उन्होंने उसकी डोरी खींची, तो चाप खींचा एकदम तेजी से, तो वो अभी चढ़ाना पूरा चढ़ाना तो बाद की बात है, लेकिन लोगों के हृदय का संदेह दूर हो गया, क्योंकि कैसा संदेह पैदा हो गया था, अब आज सीता कुमारी ही रह जाएगी, क्योंकि कोई भी आदमी शिव जी के धनुष को खींच नहीं पा रहा था, आप समझे ना। तो फिर जनक ने पूछ कहा था कि वीर विहीन मही में जानी, आज मैंने जान लिया है कि इस पृथ्वी में कोई वीर नहीं है, वीर विहीन मही माने पृथ्वी, मैं जानी मैंने जान लिया है कि पृथ्वी में कोई वीर नहीं है जो मेरी कन्या का वरण कर सके, माने धनुष को चढ़ा दे दे रहे, ऐसा कोई दिखाई मुझे देता नहीं है। तब राम को जोश आया था, क्योंकि वीर विहीन मही मैं जानी, हमने कहा था ना कि मैंने इस पृथ्वी को वीरों से रहित जाना जान लिया है, ख्याल में आया ना। तब वो उन्होंने धनुष चढ़ाया, तो जो संदेह हो गया था खुद जनक को और सारी जनता को, तो कहते हैं कि जब वो एकदम जोर से उन्होंने उठाया, तो उनकी उठाने की स्टाइल से उससे एकदम से शहर कोई छू नहीं पा रहा था, और एकदम उठा लिया एकदम जोश के साथ, तो कहते खेचत चाप मिटत संदेहू, बाण को खींचा तो संदेह मिट गया। अभी अपन किस प्रकार में ये बात कर रहे थे, सिर्फ काम नहीं बात, अपने यहाँ शास्त्रों में ये उपमाएं देने का रिवाज बहुत है, मुक्ति के लिए कन्या का बदली का महिला का रूप देने का है ना, और सिद्ध भगवान को उसका पति बताने की परंपरा, ऐसी जो बहुत सी चीजें चलती रहती हैं ना, अरे वो वहाँ उन्हें मिल जाती हैं, किनमें वैष्णव धर्म में वो बिना उनके यहाँ भी है, शिव जी माने शंकर भगवान है, और अपने यहाँ भी शिव माने आता है ना भक्तांबर में, तुम शंकर तुम शंकरो भुवनत्र शंकर हे भगवान, तुम ही शंकर हो क्योंकि तीन लोग में शांति करने वाले हो,
धर्मत्ता नगरी पंक्ति आती है, तो ये ऐसे नाम बहुत तगड़ा लाते हैं जबकि इसमें बिल्कुल दम नहीं है, झगड़ने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अब ये कवियों को तो छूट है, अब हम कहाँ देखेंगे जबलपुर में झगड़ा हो गया था तो हम सब काम नहीं जा कर देंगे, और ना कोई ध्यान देता है ना किसी को लेना देना है, अपने अपने धर्म की बातें पढ़ने की तो किसी को फुर्सत नहीं। अब आप लोग हो अपने धर्म की बात पढ़ते हो, लेकिन दूसरे धर्म की बात पढ़ने की क्या फुर्सत है, वहाँ की जो स्थितियाँ हैं उन्हें कौन पढ़ता है, और जो अपने धर्म की नहीं पढ़ते हैं वे तो कहाँ दूसरे धर्म की पढ़े, है ना। तो एक कहते सिर काम नहीं के कंत हो, यानी देर से रहते हो तो देर से जो रहित होंगे वो किसी काम के कंत नहीं हो सकते, माने उनमें स्त्री वेद पुरुष वेद मनुष्य वेद भेद ही नहीं है, तो वो तो मतलब उसका संबंध जो है ना किसी काम के कंत होने का संबंध है, तो कहते फिर भी ये दो दर्भाष अहंकार इस छंद में है। और तुम संत है जबलपुर छोड़ना पड़ा और जबलपुर से दिल्ली आ गए, सारी जिंदगी दिल्ली रहे और वो स्वर्ण संदेश दिल्ली से निकला, और जबलपुर में सैकड़ों जमीनों की दुकानें जला दी गई, कपड़ा मुंडा बहुत झगड़ा हुआ था इसी बात को लेकर। एक और झगड़ा हुआ था, तुम्हें नाम नहीं है, तो आचार्य तुलसी ने एक अग्नि परीक्षा नाम की किताब लिखी थी, इसमें सीता की अग्नि परीक्षा के बारे में वर्णन था, समझे ना, तो उसमें भी कुछ इस तरह के वर्णन थे सीता और राम के संदर्भ में, जिस तरह में पश्चाताप में है ना, समझे ना, तो वो वहां भी बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था और वहां भी बहुत सबने दुकानें जमीनों की दुकानें जलाई गई थी, और ये हुआ था उनको दिल्ली गवर्नमेंट ने हस्तक्षेप किया, तब वो भी उसे जबलपुर के आसपास ही हुआ था, रायपुर में हुआ था। तो ये जो मैंने जब पश्चाताप लिखी थी और छपाने की तैयारी थी, लेकिन फिर लोगों ने कहा कि भैया की परीक्षा मैंने अखबार कर दिया, और वही सीता पे तुम लिख रहे हो, झगड़ा कहीं हो जाएगा तो वो फिर अंदर चली गई, फिर वो मतलब समझो सर मैंने 17 वर्ष की उम्र में लिखी थी और 71 वर्ष की उम्र में छपी, तैयार तो थी, मैंने लिख करके भारतीय ज्ञान पीठ को छपने को भेजी थी, उस वक्त जो लक्ष्मीचंद जी उसके हेड हुआ करते थे, आप जानते हो लक्ष्मीचंद जैन ज्ञान पीठ के हेड, उनको भेजी थी मैंने। तो इस तरह के साहित्यिक प्रयोग बहुत पाए जाते हैं, और जब भी कोई लोगों को सांप्रदायिक लोग हैं, नेता लोग हैं, जिनको झगड़ा करना होता है तो ऐसा ही उठाते हैं। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसी साहित्यिक कृतियों पर ऐसे झगड़े बहुत तरह होते आए हैं, फिर भी एक परंपरा रुकी नहीं है, क्योंकि वो साहित्यकार तो अपने में मस्त होता है, उसे इसे दुनिया से दाढ़ी से ज्यादा मतलब नहीं होता है। अब इतनी बातें मैंने आपको अनंतनाथ भगवान के संदर्भ में सुनाई, अरे एक दफे इस छंद को अच्छी तरह से पढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, पढ़ो। संसार रूपी समुद्र का किनारा आ गया है,
अब बस खत्म पार होके मोक्ष में जाने वाले हो ना, तो भव्य जगत ही मैंने संसार रूपी समुद्र उसके तुम अंत हो, मैंने अब तुम्हारा ये अंतिम भव है, इसके भाव बाद में भव का अभाव होकर तुम्हें मोक्ष हो जाएगा। तो तुम संत हो, भगवंत हो, तुम भव जगत के अंत हो, तुम में अनंता अनंत गुण, तुम ही अनंता अनंत हो। यद्यपि पहली और अंतिम पंक्ति में अनंत शब्द बार बार आया है तो उसके सौंदर्य उससे बढ़ता है, लेकिन दूसरी और तीसरी पंक्ति में भी जो ये कंत और अंत शब्द आए हैं ये भी उसके सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, है ना। सिर कामनी के कंत और भव्यवन के अंत भगवान के विशेषण है, एक सिर कामनी के कंत तो बताई दिया अभी, और एक भव्यवन के अंत संसार रूपी समुद्र के अंत किनारे आ गए हो। अरे धर्म नाम भगवान करो संसार तेरे भाव में, तू संसार में नहीं है,
संसार की दुनिया यही बोलते ना, इस संसार तेरे भावों में है, तेरे भाव में जो मोहराज के भाव है ना, इनका नाम संसार है। संसार भावना में भी अभी जो है उसमें भी लिखा है कि संसार भाव क्या है, कि ये जो हमारे चतुर्वेदी के परिभ्रमण और चतुर्वेदी के परिभ्रमण होने के कारण रूप जो भाव, इन सब का नाम वास्तव में संसार है। पर्याय में संसार है, निकाल रहे तुमने संसार भावना, तीसरी भावना है होगी कितना मिले बात है। ये जो मैंने पंक्तियां बोली है वे नहीं भी होंगी बोलो पढ़ो। संसार भावना ध्यान से सुनना, दुख में निरर्थक मलिन जो संपूर्ण तेरे सारे हैं, जग जारे में गति चार में संसार नहीं संसार है, भ्रम रोग वश भव भव भ्रमण संसार का मंथन करे दिन रात जल, हाँ, 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 हाँ,
जल को मंथन करे तो उसमें से कुछ नहीं। पानी को कितना ही मंथे दिनों रात तो घी कितना कम निकलेगा, क्योंकि पानी में से घी निकलता ही नहीं है। जिस प्रकार पानी में से घी नहीं निकल सकता, उसी प्रकार आत्मा के भान में संसार में सुख नहीं मिल सकता। एक और दूसरी बात, रजलेत पेले रात दिन पर घेत पागे नहीं, रेत को कितने दिन तक पेले तो उसमें तेल निकला है, तो रेत को पेलने से जिस तरह से तेल नहीं निकलता है, उसी प्रकार आत्मा के भान में कभी संसार में सुख नहीं मिलेगा। और तीसरी सदभाग्य बीज जो संपदा मिलती नहीं व्यापार में, व्यापार में संपत्ति हमारा सदभाग्य हो तो मिलती है, लेकिन सदभाग्य नहीं हो तो घाटा पड़ जाता। सदभाग्य बीज जो संपदा मिलती नहीं व्यापार में, क्यों आत्मा के भान में सुख नहीं संसार में। पढ़ो छंद को अच्छी तरह, मेरे सबके ख्याल में वो बात आ रही। तीन उपमाएं हैं प्रभाव में, तो अच्छी बात धर्म की हो। मंथन करी दिन रात जब व्रत हाथ भी आवे नहीं, रज रेत पेले रात दिन पर तेल जो पावे नहीं, सदभाग्य बिन जो संपदा मिलती नहीं व्यापार में, निज आत्मा के भान में क्यों सुख नहीं संसार में। अरे भव भूमि का परित्याग कर जिन भव जलधि से पार हो, आपने इस भूमि नामक परिग्रह का त्याग कर दिया। इस संसार को बढ़ाने वाला भूमि नामक परिग्रह है, उसका आपने त्याग कर दिया है, और आराधना को की आराधना करके आप आराधना के सार को प्राप्त कर लिया है। आराधना की आराधना करके आराधना के सार को प्राप्त कर लिया है। हे धर्मात्मा परमात्मा, है ना, ये धर्म ये अंतान प्रास कहलाता है, जो अंत में अनुप्रास है, कोई शुरू में होता है, कोई अंत में होता है, कोई मध्य में होता है, कोई पूरे में होता है, कई प्रकार के अनुप्रास होते हैं कर्म है ना। तो धर्मात्मा परमात्मा तुम धर्म के आधार। अब इसके बाद तीन चक्रवर्ती तीर्थंकर हुए हैं, शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरुणनाथ। एक चक्रवर्ती भी थे और कामदेव भी थे। अभी तो तीनों की क्वालिटी लगभग एक ही थी, तो इनके संदर्भ में जो बातें कहनी हैं वो तीनों में मिलाकर कहनी है। माने कोई बात शांतिनाथ में आ गई है तो कोई बात कुंतनाथ में आ गई है तो कोई अरुणनाथ में आ गई है, लेकिन वो सब तीनों की समझना काम है ना। जैसे कामदेव की बात आई तो अकेले कुंतनाथ जी थोड़ी है, वो शांतिनाथ भी कामदेव थे, समझ गए ना। तो तीनों की जो तीर्थंकर कामदेव और चक्रवर्ती थे, इनका वर्णन ही चल रहा है। अब देखिए वो ऊपर तो था कौन परिग्रह, भूमि परिग्रह, इसके बाद कौन सा था घर, अब महल की बात आ रही है। शांतिनाथ की बात आएगी तो महल, आप जानते महल महल किसे कहते हैं, देखो सब घर के नाम हैं, राजा के रहने के स्थान को महल कहते हैं, सेठ के रहने के स्थान को हवेली कहते हैं, ऑफिसर के रहने के स्थान को बंगला कहते हैं, आप समझ गए ना। ये हैं तो घर ही थे, फिर गरीब के घर को झोंपड़ी कहते हैं, संत के घर को कुटिया कहते हैं, भगवान के घर को मंदिर कहते हैं, समझे सब घर के ही नाम है। धनंजय कवि की नाम माला है ना, तो उसमें घर के जो नाम आए हैं उनमें ये सब नाम आए,
लेकिन लोग में एक फर्क पड़ जाता है कि किसमें कौन रहता है उसके आधार पर उस मकान को का आकार प्रकार भी वैसा होता है और उसके आधार पर उसको उपनामकरण किया है। कोई बड़ा है इसलिए वो महल नहीं है, राजा रहता है इसलिए महल है, ऑफिसर रहता है इसलिए बंगला है, सेठ रहता है इसलिए हवेली है कोठी है, समझ में आया ना। उसको कौन रहता है उसके आधार पर उस मकान का नाम होता है। अब यहाँ और तो और अपने मल मूत्र के नामों में भी ऐसा भेद डाला है ना, घोड़े के मल को लीद कहते हैं, गाय के मल को गोबर कहते हैं, बकरी के मल को नैनी कहते हैं, अलग अलग नाम है, तो सब मल ही, लेकिन हमने एक एक के मल के अलग नाम भी रख लिए हैं। तो अब क्योंकि वो चक्रवर्ती है, राजा है, इसलिए वो घर नाम के परिग्रह की चर्चा में महल की चर्चा आ रही है। कैसा है वो महल? मोहक है और मणि की मालाओं से मंडित है, मणियों की मालाओं की सजावट उसकी की गई है। और ऐसे महल में रहने वाला राजा के पास में छह खंड की संपदा थी। इनका जानते हैं तो हे शांतिनाथ भगवान, आपने भी महल और वो छह खंड की संपदा एक तिनके के समान छोड़ दी। तिनका के समान छोड़ना क्या क्या है? तिनका इस जगत में सबसे तुच्छ वस्तु माना जाता है, गाय भैंस के खाने की जो घास और उसका भी एक हिस्सा इतना सा, तो भाई जैसे ही वो सस्ता होता है, अब आजकल नहीं होता होगा, पहले जमाने में तो वैसे ही जंगल में से काट के ले जाते थे क्यों, और एक तिनका, जैसे किसी को एक तिनका छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ऐसे ही आपने ये संपत्ति तिनके के समान छोड़ दी। और फिर आपके उसके बदले में क्या प्राप्त हुआ आपको? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। फिर आपने जगत को क्या दिया? संसार से पार होने का रास्ता बताया। पढ़ो ध्यान से, जो मैंने जो अर्थ बताया उसको घटित करते हुए फिर उसे ध्यान से सुनना, आप देखना। तो अंतिम दिन कर दो तो महावीर की हो जाएगी,
क्योंकि उनने कोई ऐसी बातें नहीं की। उन्हें कही ना कि भाई तुम्हारी माँ इतनी महान थी, इसलिए सूर्य को पैदा करने वाली पूरब दिशा होती है, ऐसी तुम्हारी माँ थी, यदि वो साथ में दिख देते तुम्हारी माँ मर देगी तो काम खत्म है। और तुम्हारी माँ तो माँ भी नहीं कह सकते, आज किसी से भी कह सकते हैं ना, माने उसको कॉमन रखना, समझे ना, उसका व्यक्तिकरण नहीं होने देना। और कॉमन भी उन्हीं में जाए जिनमें हम ले जाना चाहते हैं, इसलिए अब हर दिन लगा करके भी इसे पढ़ सकते हो, जैसे ही समय खराब नहीं करें ना, अब तो ख्याल में तो आ गए ना, कुंत जिनका अपन ने पढ़ा तो हर दिन लगा करके भी पढ़ेंगे तो वही अर्थ उसके साथ भी बैठ जाएगा। क्योंकि इसमें ये बताया जा रहा है कि भाई तुमने 6 खंड की विभूति तिनके ये सम्मान छोड़ दी, खाई नहीं छोड़ दी, क्या मिला तुम्हें? दुनिया में कोई चीज कोई छोड़ता है तो कुछ पाता है तो छोड़ता है ना। प्रधानमंत्री बनने का नंबर आ जाता है तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देता है, जब तक प्रधानमंत्री बनने में 1% भी शंका रही मोदी को तब तक गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, और बन जाने के बाद 2 महीने तक नहीं दिया। क्यों? डर लगा रहा है मालूम क्यों छोड़ते हैं, समझ में आया? माने कोई चीज छोड़ता है तो उससे बड़ी चीज बढ़िया चीज प्राप्त करता है तब छोड़ता है ना। छह खंड की विभूति को तिनके के समान माने, तुमने सोचा नहीं कि 6 खंड की विभूति कैसे मिलती है? अपन कहते करोड़ों रुपया हमने कमाया तो तुमने ऐसे कर दिया, पैसा कैसे कमाया जाता है उसका विचार नहीं किया, तुमने भी कमाया तो कितने पापड़ दे रहे हैं उसको याद नहीं किया, क्यों? 6 खंड की विभूति चाहे इसको ऐसे मिल जाएगी और तुमने तिनके के समान छोड़ दी तो गए कहाँ? तुमने ये नौकरी छोड़ दी कलेक्टर की तो कौन सी नौकरी करी? तो शरण एक अखंड की, उन्होंने एक अखंड आत्मा की शरण ली, अनंत आत्मा की नहीं, अखंड अनंत। तो अखंड भगवान आत्मा की शरण में जाने से हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो हे भगवान, तुमने 6 खंड की संपदा तिनके के समान छोड़ी तो तुमने क्या प्राप्त किया? अखंड की शरण ली, अखंड माने अपना भगवान आत्मा जो अखंड है उसकी तुमने शरण ली तो क्या मिला? अखंड दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। वो अखंड अखंड लगाओ चारों में, देखो ना, पायो अखंडानंद दर्शन ज्ञान नीरज आपने। और संसार को क्या दिया? पारुकार ने देशना दी। अब ख्याल में है ना, क्या दिया, क्या छोड़ा, क्या प्राप्त किया, क्या मिला, सब कुछ इसमें आगे क्या रह गया बाकी। अभी जरा शांति से पढ़ो इसे, अभी अरनाथ का नाम लगाना। शांति दिन लगाते तो काम चलता है ना।
मैंने उसको भी ध्यान रखा लिया कल में ना। इसके लिए अभी देखिए मन हर मदन, एक तो पहले शब्द शब्दान प्रास देखो मन हर फिर मदन, अगर मदन का धन फिर तन फिर रन सुमरन रन मन मन अंत अक्षरों का और न अंत वाले शब्दों का किस तरह का उपयोग प्रयोग है ना। मन हर मदन तन बदन सुमरन, अब मदन माने होता है कामदेव, तो कामदेव के समान मनोहर है तन माने शरीर जिनका और बरन सुगरन सोने जैसा है कलर जिनका और मन सुमन के समान है फूल में जैसा कोमल है मन जिनका, मन हर मदन तन बरन सुगरन सुमन सुमन समान ही क्या है ना इसका अर्थ। देखो एक दूसरी विशेषता, इसके समान मान के पहले सारे अक्षर हृष्व है, हृष्व समझते ना छोटे दीर्घ नहीं है, ये अंत में जो है ना ये छंद का नियम है कि अंत में ये दीर्घ अक्षर देने पड़ते हैं, उनके बिना वो छंद नहीं बनता है इसलिए दिए, लेकिन बाकी पूरा हृष्व अक्षरों का की लाइन है पूरी। मन हर मदन तन भरन सुवरन सुमन सुमन समान ही धन धान्य पूरित संपदा अगणित कुबेर समान थी। धन धान्य धन धान्य माने धन माने सोना चांदी वगैरह घर में होती है संपत्ति, इसको धन बोलते हैं। तो धन धान से पूरित संपदा जिसकी कोई गिनती नहीं होती इतनी थी, कुबेर के समान जैसे इनका राजा कुबेर होता ना, और कुबेर प्रसिद्ध पैसे वालों में, अभी किसी का देखा नहीं है पंच कल्याणों में उसकी बोली होती है इंद्र को इंद्र को आज्ञा देता क्यों कि जाओ तुम ये काम करो, तो अगणित कुबेर समान थी धन धान्य पूरित संपदा अगणित कुबेर समान थी, माने इसका फ्लो जो इसे बोलते ना नदी कर 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 बहती है ना ऐसे तो बिल्कुल धारा से बहता है छंद पढ़ो जरा मन हर हाँ बोलो बनाया और इसकी आंखें इधर खोल ली, फिर बीच चली गई,
हमने एक आंखों को पीछे बना लिया, उधर की आंखें खोल ली उसे देखने लगे, फिर इस दिशा में गई वहां देखने लगे, फिर ऊपर आकाश में चली गई तो हमने एक ऊपर मुंह बना लिया कन्हैया, तो ऊपर देखने लगे। तो ऐसी कहानी इतिहास प्रसिद्ध है, वो इतनी सुंदर थी मतलब उर्वशी ना, तो मैंने बहुत अपनी कोई 15-16 वर्ष की उम्र में लिखा था, नारी रूप धार कर ही ब्रह्मा पंचानन कर लिए, विष्णु लक्ष्मी के आनी शंकर हिम कन्या लव लीन, जीत नारे नारी के प्रभु आप ही एक, भगवान महावीर की स्तुति लिखी। समझ गया कि नारी का रूप देखकर ब्रह्मा ने 5 मुंह बना लिए, मतलब वे हार गए, और लक्ष्मी विष्णु लक्ष्मी जी के अधीन है, साथ में ये लोग होते हैं, शंकर हिमकन्या लवनीन, और शंकर हिमकन्या माने हिम माने हिमालय, हिमालय पर्वत, और पर्वत की बेटी पार्वती, हिमकन्या माने पार्वती, वे पार्वती को अर्धांगिनी बनाए रखे, आधे अंगों में समाहित कर लिया है, अपन तो अर्धांगिनी कहते हैं ना, लेकिन उन्होंने आधा अंग शंकर भगवान का और आधा अंग पार्वती जी का ऐसा बना लिया था। तो तीनों घटनाएं मैंने वो लिखी, उस पर उस जमाने में झगड़ा हो सकता था इन बातों पर, लेकिन मैंने बोला ना कभी फिर इनको कोई नहीं देखता है क्या, नारी रूप धार कर ही ब्रह्मा पंचानन कर लिए, लक्ष्मी विष्णु लक्ष्मी के आदि शंकर कम जीतन हारे नारी के प्रभु आप ही आयो तेरी शरण में तुम्हें यही तुम्हारी टेक, ऐसा लिखा है उस पर। तो ये उर्वशी है, वो आपने बिहारी कवि की कविताएं पढ़ी हो तो उन्होंने याद है, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान, तो कहते हे राधा, राधा से कह रहे हैं कि हे राधा तू मोहन माने श्री कृष्ण के हृदय में बस गई, उर्वशी उसने तू मोहन के उर्वशी, मोहन के उर में बस गई, क्यों, क्योंकि है उर्वशी समान, तू उर्वशी के समान, हे उर्वशी के समान राधा तू मोहन के उर में बस गई है, वहां भी इसकी उपमा दी जाती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि उर्वशी प्रसिद्ध देवांगना है जो साहित्य के क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती है, दुर्गा वर्णन में थी उर्वशी सी अंगनाएं संगनी संसार जी, अंगनाएं माने पत्नियां, उनकी उर्वशी के समान 6000 पत्नियां थी, हर चक्रवर्ती थी उर्वशी सी अंगनाए, लेकिन वो संगनी संसार की, संसार की साधन थी, मोक्ष प्रसाद देने वाली नहीं थी, थी उर्वशी सी अंगनाए संगनी संसार की, श्री कुंत दिन तृण सम तली, आपने उनको तृण के समान छोड़ दिया, एक तृण सम तली ऊपर चला गया, शांतिनाथ में नहीं था, कुंतनाथ में भी आ गया ना, वहां क्या छोड़ा था, 6 खंड की विभूति तृण सम, और यहाँ जो उर्वशी सी रंगनाए और कुरेशी संपदा, ये सब तृण के समान तली, ली राह भव्य तली पार की, और संसार समुद्र के उस पार जाने का रास्ता अपना दिया, पढ़ो पूरा छंद करे शांति से, तो वो उस पर ध्यान दिया करे, अभी दे लो इतना ध्यान जिंदगी भर याद रहेगा, और नहीं दिया तो बस गया गया गया। मन हरि मदन तन पर सुमरन सुमन सुमन समान की, दन धान्य पूरित संपदा